Hi friends, welcome to our channel, welcome to मैं कार्तिक, आप सबको हमारा चैनल को स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अमुए डिस्टर्ब। आज हम अमुए डिस्टर्ब के बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो ये अमुए डिस्टर्ब को दुनिया में सबसे बेस्ट डिस्टर्ब से एक मान्यता क्यों दिया गया है, क्यों इसको बेस्ट डिस्टर्ब से एक गिना जाता है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करके पता लगाएंगे तो एक्चुअली है क्या, इसमें एक्चुअली है क्या, क्या क्या गुण है जिसको ये इतना बड़ा बना दिए हैं। पहला पॉइंट ये है, ये US EPA अप्रूव्ड फॉर सेफर चॉइस प्रोडक्ट है। EPA क्या होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ये जो रिकॉग्नाइज्ड सेफर केमिस्ट US का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जो ये मान्यता दिया गया है। आप बॉटल के ऊपर भी आप देखे होंगे ये सेफर चॉइस का लोगो है। तो ये जो इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट, ये हेडक्वार्टर है ये EPA का। US में जो EPA इंस्टीट्यूट है ये बहुत बड़ा है, ये मान्यता दिया गया है सेफर है। और ये क्या, और क्या है, बाइक्वेस्ट फार्मूला में तैयार किया गया है। मतलब ये सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड नॉन हैजर्ड्स टू ह्यूमंस। ह्यूमन का कुछ भी हैजर्ड्स नहीं करने में, आपका स्किन हो या आपका क्लॉथ हो या किसी को ये इफेक्ट करने के लिए नहीं देता है। और क्या देता है, और क्या करता है, ये जो यूनिक बाइक्वेस्ट फार्मूला ये होम केयर प्रोडक्ट्स है, ये कंसिस्ट ऑफ हाईली एक्टिव बायो बेस्ड इन्ग्रीडियंट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोकोनट ऑयल, साइट्रस फ्रूट्स, मिनरल्स। ये ऑल बाइक्वेस्ट फार्मूला प्रोडक्ट्स डिलीवर पावरफुल क्लीनिंग परफॉर्मेंस एंड वी मतलब कंसेंट्रेटेड बायोडिग्रेडेबल एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा मान्यता मिला है, मतलब अच्छा मान्यता दिया गया है, ये सबसे अच्छा डिस्टर्ब है इसीलिए कहा जाता है। और क्या है, इट कंटेंस न्यू ट्रिपल पेटेंट ब्लेंड ऑफ एलोवेरा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे AHA+ एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ ASIO प्लांट। इस ये सारे जो डिस्टर्ब हैं, ये सारे डिस्टर्ब एक ही पेटेंट का होते हैं, लेकिन ये ट्रिपल पेटेंट है, ट्रिपल पेटेंट में ये तैयार किया गया है, तो इसलिए इसको भी अच्छा कहा जाता है। और क्या है, इट इज कंसेंट्रेटेड एंटीबैक्टीरियल डिशवाशिंग लिक्विड फॉर ऑनसर पास्ट ग्रीस कटिंग एबिलिटी। जो ग्रीस कटिंग होते हैं, मतलब जो ये अद्भुत है, जो ग्रीस ज़्यादा ऑयली होते हैं चीज़ आसानी से ये साफ कर सकते हैं, जो जनरली डिशवाश नहीं कर सकता ये आसानी से साफ कर सकते हैं। और क्या है, एंटीबैक्टीरियल फार्मूला हेल्प्स रिमूव जर्म्स फ्रॉम डिशेस एंड स्पॉन्जेस। हम जो स्पॉन्ज यूज करते हैं और डिशेस, ये दोनों को जर्म लेस करता है, ये जर्म रिमूव करता है ये। और क्या करता है, और ये सैनिटरी कंडीशन में उनको रखता है, जो हम स्पॉन्जेस यूज करते हैं स्पेशली, बदबू नहीं आकर देता है ये बैक्टीरिया, मतलब ये जर्म को भी रिमूव करता है और सैनिटरी कंडीशन में इनको रखता है। और क्या करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल किचन ड्रेन एंड गार्बेज। जो डिस्पोजल ऑर्डर, जो ऑर्डर डिस्पोजल करता है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है जो इंग्रेडिएंट्स यह तैयार हुआ है, जो ये जो ड्रेन जाता है और गार्बेज जो निकलता है, उनका ऑर्डर इतना ख़राब नहीं है। कुछ कुछ डिस्टर्ब का जो खुशबू नहीं आता है, लेकिन इसमें खुशबू आता है, स्मेल बहुत अच्छा आता है जो हम साफ करने के बाद। और सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सारे डिस्टर्ब में ये नहीं मिलेगा, इसमें जो है ये डिस्टर्ब से आप आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आप रख सकते हैं ताज़ा एंड जर्म फ्री करके भी रख सकते हैं। 1 ml लेके आप 5 ml पानी में डाल के उनको साफ करके आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, आप देखिए जो इस्तेमाल करने से पहले कैसे दिखा रहा है और इस्तेमाल करने के बाद कैसे दिखा रहा है, पूरा फ्रेश पूरा ताज़ा करके आप इसको रख सकते हैं, जर्मलेस एंड फ्रेश। आप ये मेरे बात पर नहीं जाके आप पहले इस्तेमाल कीजिए, देन बिलीव कीजिए। इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चल जाएगा रियली मैं जो बोल रहा हूँ ये सही या नहीं है। इट लीव डिशेस स्पार्कलिंग क्लीन एंड रेसिड्यू फ्री।
ये जो डिश ड्रॉप है ये बहुत चमक लाता है, जो डिशेस है डिशेस के ऊपर बहुत चमक लाता है और क्या कुछ रेसिड्यू नहीं डालते हैं। जनरली जो मार्केट में जो कुछ कुछ डिश ड्रॉप में हम यूज करते हैं, डिश ड्रॉप यूज करते हैं हम, अगर हम घर में जाके जो सूखा हुआ बर्तन को लेके अगर एक काला कपड़ा में हम उसको स्टेन करके हमको पता चल जाएगा कुछ रेसिड्यू रह जाता है, वाइट कुछ रेसिड्यू रह जाता है, लेकिन इसमें कुछ रेसिड्यू नहीं रहता है। क्लीन तो करता है, साफ तो करता है, लेकिन कुछ रेसिड्यू इसमें नहीं रखता है, पूरा साफ दिखता है, पूरा चमक लाता है ये, इसीलिए ये को बेहतरीन माना गया है। और क्या करता है देखिए, कितने सारे पॉइंट हैं, हेल्प मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हैव नॉन इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज है, ये अब स्किन को हेल्दी करके रखता है, ये पूरा नेचुरल वे है तैयार है और हाथ में यह कुछ इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। और सबसे बड़ा पार्ट और क्या है, ये 3E बेस्ट प्रोडक्ट है। 3E बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, इफेक्टिव, इको फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल। इफेक्टिव तो है मैं जो जैसे बताया, और इको फ्रेंडली मतलब ये परिवेश को भी खराब नहीं करता है, इनका जो गंदगी जाता है उसका जो पानी जाता है वो जो पानी बाहर जाता है ये परिवेश को मिट्टी को ये खराब नहीं करता है। और इकोनॉमिकल कैसे है हम आगे जाके देखेंगे, एक्चुअली ये इकोनॉमिकली कैसे कम पैसा में हम ज़्यादा कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली लोग बोलते हैं ये अमूए प्रोडक्ट कॉस्टली है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, मैं भूल चुका हूँ, ये कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। ये जो कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट है ये इसको पानी में मिला के एक भाग का ये डिश ड्रॉप और चार भाग पानी लेके, ये जो बटल में रखा हूँ ये मेजरिंग बटल है, आप किसी भी बटल भी ले सकते हैं, लेके एक भाग डिश ड्रॉप और चार भाग पानी लेके आप इनको डाइल्यूशन बनाना है। इसका मतलब ये है एक लीटर डिश ड्रॉप 6 लीटर बन जाएगा, एक्चुअली हम जब यूज करते हैं यूजेबल 6 लीटर बन जाएगा। तो 6 लीटर बन जाएगा मतलब क्या है, तो ये इसको हम डाइल्यूशन करते हैं 12 to 5 ml वाला बटल बन जाएगा। तो ये अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ, देखिए कि उनका MRP है, एक लीटर का MRP है 6 से 45 ये डाइल्यूशन करने के बाद 6 लीटर होता है, 6 लीटर मतलब 1 लीटर को 108 रुपया मिलता है। तो इसका मतलब ये 108 रुपया में हमको ये 1 लीटर मिलता है। ये एक्चुअली कितना अच्छा है मैं आगे जाके डेमो करके आपको दिखा सकता हूँ, तो ये कितना अच्छा है। 2 ग्लास लिया हूँ, 2 ग्लास में मैं पानी डाल दिया, तो इस ग्लास में कुछ पानी डाल दिया और इस ग्लास में भी कुछ पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैं 2 चम्मच लिया हूँ, 2 चम्मच मैं 2 चम्मच में मैं कुछ सरसों का तेल ले रहा हूँ। सरसों का तेल जो सबसे मोटा वाला तेल है आप भी जानते हैं, तो इसमें कुछ लिया हूँ और इसमें भी कुछ। तो ये ज़्यादा लेंगे आप इसको काम कर सकते हैं। तो इसको मैं ले लिया है, लेके मैं इसमें क्या करें, अभी मैं मार्केट का जो डिश ड्रॉप मैं इसको साफ करूंगा और जो हम अमूए का, ये जो आप देख रहे हैं मैं पहले ही भूल चुका हूँ कि ये कंसेंट्रेटेड है, इसमें इस जो बटन है इस बटन का 1 पार्ट लेके इसमें और इस 4 पार्ट पानी लेके हमको बनाने पड़ेगा। बनाने के बाद हम यूँ इस्तेमाल करेंगे, मैं इसे एक रखा हूँ यहाँ पे बना के, पहले ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मैं इसमें लिया हूँ कुछ इसे 2-4 ड्रॉप और जो मार्केट का ब्रांड है मार्केट का ब्रांड का भी कुछ इसमें इस्तेमाल किया है। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करके मैं क्या कर रहा हूँ इसको साफ किया है, मैं साफ कर रहा हूँ, जैसे साफ करते हैं आप जैसे साफ करते हैं इसे साफ किया है। और ये इसमें जो मैं इसमें एक अलग अंगूल में मैं साफ किया, साफ करने के बाद क्या क्या देखिए, ये है अमूए का, ये है एक्स ब्रांड का। अभी ये सबको देखिए, ये एक्स ब्रांड का है, ये अमूए का है। अभी सपोज ये एक्स ब्रांड करके देखिए, ये अमूए का है। तो मैं उठा के दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं, ये अमूए का है और ये एक्स ब्रांड का है। तो फिर और एक बार मैं डाल के देख रहा हूँ, देखिए जितने बार आप इसको कर सकते हैं ये साफ कितना आसानी से मिल रहा है।
ये हाथ में डालने के बाद, ये हाथ में इसे करने के बाद फिर ये साफ होगा। तो ये आप देख लिए हैं, और ये एक फर्क देखिए, पानी का फर्क भी देख सकते हैं। पानी का देखिए इसका जो कितना ये है, डस्ट पार्टिकल्स इसमें है, जो ये एक्स ब्रांड का हम डाले थे, और ये जो आमिया का है ये कितना साफ है। तो इसमें पता चल जाएगा कि ये कितना बेहतर है, ये कितना यूजेबल है। आप खुद पता करके ले सकते हैं कब ये इसको यूज कर सकते हैं। और बाकी सब मैं तो डिस्कशन कर चुका हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन ये आपको मैं दिखा दिया, आप समझ गए होंगे एक्चुअली कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। ओके, थैंक यू, नमस्ते।